बिना वो उंगलियां पकड़े कहाँ कुछ हासिल होना है, साथ ना हो उनका अगर तो जिंदगी में रोना ही रोना है। पापा की जेब में देखा मैंने हर कीमती खिलौना है, बिखरे कभी सपने अगर पापा एक बिछोना है, लौटा सकूं वो खुशियां उन्हें मुझे इस काबिल होना है। लुट जाए सब कुछ भले बस पापा को नहीं खोना है। मेरे फादर, मेरे ग्रेट फादर मोहम्मद मुनव्वर शेख, ये वीडियो खास मैं उनके लिए बना रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने फादर की लाइफ की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा वर्तमान में ही हाईकोर्ट कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके इस सफर में इज्जत को बढ़ाने वाला मुकाम वो रहा जब माननीय हाईकोर्ट न्यायाधीश महोदय ने उनको रिटायरमेंट की तारीख के एक दिन पहले बुलाकर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करा। हो सकता है आप सभी को वीडियो थोड़ा सा लंबा और इमोशनल लगे, लेकिन ये मेरे अब्बा की पूरी जर्नी है जो कि मैंने YouTube पे शेयर करी है और उसको सेव कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं फेवरेट है। अभी अब्बा जो है ये केक ओपन करने वाले। ओपन करी और इसको रीड करिएगा। जुनैद खोलिए खोलिए खोलिए। एक्टिविटी गॉन, पेंशन ऑन। ये दिखाइए आपके चेहरे से। ये देखो सोफिया श्री, एक्टिविटी गॉन, पेंशन ऑन। यस बेटी, वाओ देख लिया मैंने। सही लिखवाया ना 62 भी। रुकिए मुझे इसका स्नैपशॉट लेना। अब मेरे लिए वो एक बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट रहा जब मैंने उनके ऑफिस में उनके लिए तारीफ सुनी। वो तारीफ यूं थी कि श्रीमान मोहम्मद मुनव्वर जी ने 32 साल बड़ी ही ईमानदारी से कर्मठ होकर अपने काम को अंजाम दिया और 3 दशक अपनी जिंदगी के सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम किया। इतने लंबे समय एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए फैमिली को रन करा, तो सोचकर मुझे ख्याल आता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मेरे पापा इस लेवल पर होंगे। आज मुझे लगता है कि हर पोजीशन जो होती है वो अपने आप में एक मायने रखती है और साथ में डिसिप्लिन और ईमानदारी के साथ अपनी फैमिली को रन करना उससे ज्यादा मायने रखता है।
आदरणीय गिरीश निदेशक साहब, रैक्ट के समस्त अधिकारीगण, मेरे साथी कर्मचारी, सभी को सादर नमस्कार। आज हम लोग हमारे आदरणीय श्री मोहम्मद मुनव्वर जी के रिटायरमेंट के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुनव्वर दादा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वे अपनी फैमिली में अपनी दो पुत्रियाँ, अपने दो दामाद, बेटे बहू और नाती के साथ आए हैं। मैं सभी मेहमानों का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तंत्र सिंह की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको मैं आदरणीय मुनव्वर जी से निवेदन करूंगा कि वे आकर यहाँ मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय मोहम्मद मुनव्वर शेख जी के बारे में आपको बता दूं कि 30 नवंबर 1960 को उनका जन्म हुआ है, मतलब आज इनका बर्थडे भी है, तो हम सभी की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से इतने कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनका विदाई समारोह इनका बर्थडे भी आ रहा है। चलिए, बड़ी खुशी का दिन है। और सर की ज्वाइनिंग 22/8/1991 को हुई थी और आज जब ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनका जो सर्विस लाइफ है वो 31 साल 1 महीने और 9 दिन का हो रहा है। बहुत लंबी बारी खेली है। हमारी शुभकामनाएं ऐसे स्वस्थ रहें और जो बच्चे विशेष पाले अपने परिवार के साथ में खूब इंजॉय करें, मस्ती मारें। अब बीच में इंस्टाग्राम पर मेरा परिचय हुआ जब मुनव्वर जी से, तब मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने क्लासिकल भी सीखा है और गाने का भी इनको काफी शौक है। ये अतिरिक्त प्रतिभा है कि छुपा रखी थी इन्होंने। हाँ जरूर होगा ना, जरूर नहीं क्या बात है। कार्यक्रम के आरंभ में हम लोग पहले स्वागत मेला का आयोजन रखते हैं, तो सर्वप्रथम मैं रजिस्ट्री ऑफिसर से निवेदन करूंगा, आदरणीय रोजी साहब, अकाउंट साहब, विष्णु मित्र साहब, कि वे बुके से मुनव्वर जी का स्वागत करें। बुके से
आदरणीय अपन मस्त से जी के भगवान को निरंतर मत आए और दोषा भी नमस्कार। मंच पे आसीन हमारे वरिष्ठ अधिकारी और आज सेवानिवृत्त होने वाले हमारे साथी मनोहर जी, एक लंबी शासकीय सेवा 31 साल की पूरी करके 3 दशक जिसको हम बोलते हैं, अब तो वर्तमान समय में 5 साल में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, दशक में तो काफी चेंजेस आते हैं। और एक लंबे सेवा काल के दौरान सभी प्रकार के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में समन्वय स्थापित करके और बेदाग रूप में अपनी सेवाएं पूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यही उनके व्यक्तित्व की छाप है। और ये हमको सिखाती है कि शासकीय कार्यों में अगर अपना दायित्व गंभीरता के साथ निभाते हैं तो हमारी एक अलग पहचान कार्यालय में बनती है। और एक लंबा समय जो उन्होंने व्यतीत किया है, अब एक तरीके से वो शासकीय सेवा में कहा जाता है कि बंधन का समय मुक्त होकर के अब एक स्वच्छंद जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं अपने परिवार के साथ में। ये सही भी है, शासकीय सेवा के दौरान बहुत सारे बंधन और बाध्यताएं, बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी अन्य के लिए बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सफलतापूर्वक अपना शासकीय सेवा काल पूरा करने के बाद जब उनके पास अपार संभावनाएं हैं अपने परिवार समाज के लिए, तो हम सब इससे जुड़े रहेंगे। फिर अगले दिन उन्हें ऑफिशियली फिर से सम्मानित करा गया और हम तीनों भाई बहनों में मुझे मौका मिला कि मैं अपने पापा के सम्मान में 2 शब्द कह सकूं। हालांकि दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा के लिए अपने प्यार को और इज्जत को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बल्कि उनके दिए गए संस्कार और प्यार को भी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। यकीनन जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर रहा होगा। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी अपने पापा से कि आप मेरी स्पाइन हैं, आप हैं तो मैं हूँ। और जिस तरीके से आपने मेरे लिए जिंदगी के हर कदम पर स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, वो यकीनन आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। आपके रिटायरमेंट पर आपका बर्थडे भी था, दोनों चीजों को सेलिब्रेट करते हुए मैंने शुक्र अदा करा अपने रब का कि आपका हाथ आज भी मेरे सर पे है, और दुआ करी कि सारी जिंदगी आपका हाथ मेरे सर पे रहे, इवन अम्मा का भी। ये चंद लाइनें लिखने में मुझे 2 दिन लग गए हैं। वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है। आई लव यू अब्बा, आप मेरी स्पाइन है, मेरी हिम्मत। Treetop.